Blah 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 blah. वैसे तो मैं लाइफ में कभी कोई उल्टा काम किया नहीं है, है ना, पर पता नहीं क्यों मूवी देखने जाता हूँ ना, उस टाइम मेरा अंदर का स्मगलर जाग जाता है। नहीं नहीं ऐसी कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। तो अपना क्या सीन है ना, अपने को चाय के साथ पार्ले जी चाहिए ही चाहिए, और ये मूवी हॉल में चाय तो मिल जाती है फिर भी, पर पार्ले जी नहीं मिलता, क्योंकि 5 रुपये का बिस्किट 5,000 में किस मुँह से बेचे। तो इसलिए भाई जब पिक्चर देखने आता है तो अपना खुद का पर्सनल पार्ले जी साथ में लेकर जाता है। तो भाई पिक्चर देखने जा रहे थे, पार्ले जी था ऑफकोर्स जेब में। तो जैसे ही मूवी हॉल के एंट्रेंस पे पहुंचा, सिक्योरिटी गार्ड आके सामने खड़ा हो गया। अच्छा, उस दिन से पहले कभी सिक्योरिटी चेक हुआ नहीं था, क्योंकि उन दिनों होता ही नहीं था, ये नया रूल आया था। और जब नया रूल आया तो कहीं न्यूज़पेपर में इसका कोई आर्टिकल नहीं आया, किसी न्यूज़ चैनल पे इसकी खबर नहीं आई कि ऐसा हो रहा है, आ गया, अपने को पता नहीं था। भाई साहब बंदा सामने आके खड़ा हो गया, आके बोलता है हाथ ऊपर करो। मैं क्यों बोला करो, हाथ ऊपर करो तो करो, ठीक है योर मूवी हॉल योर रूल्स, मैं कर दिया हाथ ऊपर। बंदा आके छूने लगा, जहाँ जहाँ उसका मन किया पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। जब उसका पेट भर गया तो एक कदम पीछे लेके बोलता है कि जेब में क्या है। मैंने कहा मैं ये पार्ले जी। बोला ये अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। मैं तो अंदर चाय में डुबो के क्या खाऊंगा। बोला उसके लिए अपने किडनी बेच के पॉपकॉर्न खरीदना पड़ेगा, वही मिलता अंदर। बोला और जिस बंदे की ऑलरेडी एक ही किडनी हो फिर वो, बोला उसके लिए EMI का फॉर्म भर दो, आसान किस्तों पे हो जाएगा। मैं फिर ये बिस्किट का क्या करूँ। बोले इसको वहाँ डस्टबिन में फेंक दो। मैं साले तेरे घर पे मम्मी नहीं क्या है, तेरे को कभी किसी ने समझाया नहीं घर पे कि खाने का अपमान नहीं करते। फिर मैं उस बंदे के साइड में खड़ा हो गया और जितने लोगों को वो बिना मर्जी के छू रहा था उनको मैं एक एक बिस्किट देता गया। अब बात कर लेते दिल्ली की। दिल्ली में पहली बार मैं अपने कज़न बंटी के साथ पिक्चर देखने गया। नहीं अकेले तो बहुत बार गया हुआ था, बंटी का पहली बार देखने गया। ये बात है दिल्ली में एक मूवी हॉल है, उसका नाम है सावित्री सिनेमा। उस मूवी हॉल में सावित्री जैसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी कौन सी टिकट है और कौन सी सीट है, आप आके कहीं भी बैठ जाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस वाला सीन है। तो हम टिकट लेके पिक्चर देखने गए थे ओमकारा, तो हमारी ना साइड वाली सीट थी, क्या बोलते हैं उसको, वो आइल सीट थी। तो मैं जाके आइल सीट पर बैठ गया, बंटी मेरे साइड में बैठ गया और मैं ध्यान गया इस साइड तो 6 सीट पूरी की पूरी खाली पड़ी हैं। मैं खुशी से पागल में, भाई आज तो शांति से बैठकर पिक्चर देखेंगे, कोई बकवास करने वाला है ही नहीं। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई हमें रियलाइज़ किया कि जो बंदे हैं वो लेट हैं, वो एक एक करके आने लगे। जैसे मूवी स्टार्ट हुई करके ऐसे इतनी पास पास से ऐसे 1 2 मैं ऐसे देख रहा हूँ, अच्छा अच्छा रूपा सही 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 डोरा PIV अच्छा ओ उल्टा पहना है। 5 बंदे तो निकल गए, छठा बंदा निकला वो इतनी पास से उसने मेरी नाक ही रगड़ दिया। सर मैं चिल्ला दिया मूवी हॉल वाले पे, मैं साले इसके पैसे दिए क्या। बोलता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा ये 7 लोग थे और सीट थी सिर्फ 6, तो इनमें से एक बंदे ने हमसे रिक्वेस्ट की कि भाई साहब आप दोनों कहीं और शिफ्ट हो जाओ, कहीं और बैठ जाओ तो मैं अपने ग्रुप के साथ बैठ जाऊंगा। बोला देख ऐसा ये रही हमारी टिकट और ये हमारी सीट, हम तो कहीं नहीं जा रहे, हम तो यहीं बैठ के देखेंगे। उसने बोला ठीक है ठीक है, बोल के वो बंटी की गोद में बैठ गया। मैं बंटी की तरफ देख रहा हूँ, भाई कुछ बोल ऐसे थोड़ी होता है। बंटी बोला हाँ बोलना तो चाहिए पर अच्छा भी लग रहा है। दोस्तों फिर मैं पिक्चर देखने गया मुंबई में। मुंबई में एक सिनेमा हॉल है, उसका नाम है गैलेक्सी सिनेमा। मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ का सावित्री है। पता नहीं क्यों और कैसे मैं हर जगह ऐसा मूवी हॉल ढूंढ ही लेता हूँ। तो भाई साहब वहाँ मैं पिक्चर देखने गया था उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक, आपने भी देखी होगी। और मैं इसलिए देखने गया था पिक्चर ताकि मुझे पता चले कि भाई साहब हमने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की थी और कैसे की थी, इसलिए तो पिक्चर बनाई है ना। और मुझे लोगों ने ऐसा बोला था कि मुंबई में ना तो लोग बात ही नहीं करते, एकदम शांत, कोई ऐसे बकवास ही नहीं करता, शांति से पिक्चर देखो। मैं सही है फिर तो आराम से देखेंगे पिक्चर। मैं बैठा हूँ मूवी हॉल में, मूवी स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रहा। तभी थोड़ी देर में पीछे वाली रो में 2 अंकल आके बैठ गए, बिल्कुल शांत कोई बात नहीं कर रहे। जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई इस साइड वाले अंकल को जोर जोर से बोल बोल कर बताने लगे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की थी और कैसे की थी। मेरे गाली यहां तक आके रुकी है। मैं साले इसलिए तो पिक्चर बनाई है, वहां विक्की कौशल को गुस्सा आ रहा है, यहां मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे वहां पे बोल रहा है हाउस द जोश में घूम के वेरी हाई। फिर भाई साहब मैं एक बार देखने गया था मेरी फेवरेट पिक्चर, आप सबकी भी फेवरेट पिक्चर, हम सबकी फेवरेट पिक्चर गैंग्स ऑफ वासेपुर। भाई साहब मैं बैठा मूवी हॉल में, मस्त चल रहा है, उधर धूमधड़ाम चल रही है।
तभी मैं थोड़ी देर में रियलाइज किया कि धूमधड़ाम की आवाज़ पीछे से भी आने लगी। तो पीछे मुड़ के देखा, चार रो छोड़कर पीछे दो ग्रुप में आपस में झगड़ा हो गया। किस बात से? कि नीचे एक समोसा गिरा हुआ है और दोनों ग्रुप लड़ रहे हैं कि समोसा किसका है, और बकायदा सबूत भी दे रहे हैं। एक बंदा ऐसे हाथ आगे करके, देख अभी तक तेल लगा हुआ है समोसे का, सूंख के देख ले। दूसरा, एक सेकंड, ऐसे कैसे, मैंने तो बाइट भी लिया हुआ है, देख मेरे अभी भी मसूड़े में मटर फंसी हुई है। और भाई साहब एक दूसरे को चेपे जा रहे, इतना तो फैजल स्क्रीन पे नहीं मार रहा जितना लोग यहाँ एक दूसरे को मार रहे। पर थैंकफुली थोड़ी देर में अपने आप सब सॉर्ट आउट हो गया। नहीं, ऐसे आपस में दोस्ती नहीं हुई, ना, वो समोसा जो गिरा था वो चूहा उठा के निकल गया एक। पर मैं तो पिक्चर हॉल में मूवी देखने जाता ही नहीं हूँ, मेरा मेन एम होता है कुछ और। मैं तो बस वेट कर रहा होता हूँ कि साइड में जो अंकल बैठे हैं वो उबासी लेने के लिए हाथ उठाए या कहीं खुजली करने के लिए हाथ हटाए, तो जल्दी से हैंड रेस्ट पे हाथ रख दूँ। भैंस किया कि क्या बकवास है ये, पैसे हम दोनों से लिए, हाथ रखने की जगह एक ही है, पिक्चर देखने आयो कि इंडिगो की फ्लाइट लेने आयो। पर मूवी हॉल में कभी कभी जब एक्स्ट्रा शांति मिल जाती ना, तो वो भी अब खलती है। एक बार ना मेरे साइड वाले अंकल सो गए, सच में सो गए। मूवी स्टार्ट हुए अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए थे, एड वेड खत्म ही हुई, पिक्चर स्टार्ट ही हुई, साइड से आवाज आने लगी, अंकल लेजिट खर्राटे मार रहे हैं। और मुझे इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि नाउ आई वॉज अलोन। पूरे मूवी हॉल में राम गोपाल वर्मा की आग देखने दो ही लोग आए थे, और उसमें से भी एक। पर भाई साहब मजाल है, आप हमारे यहाँ कोई पिक्चर शांति से देखकर दिखा तो दो, हो ही नहीं सकता। पता नहीं कैसे, मैं तो जब भी पिक्चर देखने जाता हूँ, मेरे 2 सीट के रेडियस में हमेशा कोई एक इंसान ऐसा बैठा होता है कि उसकी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स उसी 2 घंटे में आते हैं जब वो पिक्चर देखने आया है। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही, ना, फोन बजता है, हाँ, पिक्चर देखने आया हूँ, हाँ कौन सी, अरे यार वो कौन सी है, वो जैकी श्रॉफ, अरे यार वो नहीं, जैकी श्रॉफ नहीं, उसका छोरा, हाँ टाइगर, हाँ। और मैं साइड से बैठ के बागी। भाई साहब आपको दिख नहीं रहा मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको कैसा लगे कोई आपको डिस्टर्ब करे तो, है बकवास करने लग रहे हो, हाँ तो अभी, हाँ अरे वो टाइगर ना हेलीकॉप्टर से छलांग मार के ना प्लेन पे कूद गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी गवर्नमेंट को ना हर मूवी हॉल में एक स्नाइपर बिठा देना चाहिए। ऊपर जगह होती ना चकोर सी, जहां से बैठ के वो पिक्चर की ऐसी लाइट आ रही होती, वहीं पे उसको साइड करके हल्की सी जगह बना के एक स्नाइपर बिठा दो, और मूवी हॉल में जहां से भी आवाज है ना पकड़ उसी बंदे पे जाके सीधा एक लाल कलर की लाइट आके चले। या तो ये या फिर मूवी हॉल के एंट्रेंस में ना, जैसे आप घुसो कि भाई साहब ये रही आपकी टिकट और ये रहा आपके मुंह पे टेप। मुझे मालूम है इससे जवान लोगों को थोड़ी दिक्कत होगी, है ना, क्योंकि हर कोई थोड़ी पिक्चर देखने आता है ना, कोई तो रीज़न होगा कि हाउसफुल जैसी पिक्चरें भी ऐसे करोड़ों रुपए कमा रही है ना ये। पर भाई साहब मैंने लाइफ में एक पिक्चर तो इतनी शांति से देखी है, इतनी शांति से आपको क्या ही बताऊं, पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई बात ही नहीं कर रहा, इंसेप्शन। भाई साहब मूवी देखने गया मैं, बैठ गया, मूवी स्टार्ट हुई, 15 मिनट बाद फिर से स्टार्ट हो गई, 25 मिनट बाद फिर से स्टार्ट हो गई। तो मैं ऐसे आसपास देख रहा हूँ कि मुझे अकेले कोई समझ में नहीं आ रहा कि किसी और को भी नहीं आ रहा। साइड में जो भाई साहब थे उसके नाक के आगे ना मैंने हाथ लगा के देखा कि हाँ सांस तो आ रही है, पर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये भी हो सकता है कि मैं जो भी दही भल्ले खा के आया हूँ कहीं उसमें चरस वरस तो नहीं थी, कि मुझे ही गलत दिख रहा है। नहीं, फिर मैंने बहुत ही हिम्मत करके ना पूछ ही लेता हूँ इससे, मैं भाई साहब आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? मैं सर आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? भाई साहब मैं फ्रस्ट्रेट होके मूवी हॉल के सीट पे खड़े होके चिल्ला दिया, मैं किसी को भी समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? तभी एक लाल कलर की लाइट आके मुझ पे सीधा से जाने लगी। तो दोस्तों होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके इतने टाइम बाद। तो अमेज़न प्राइम वीडियो देखते रहिए और अपना ध्यान रखिए।